हाय गाइस नमस्कार, मैं हूं आशीष। सो गाइस, चाइना का फुल्ली स्टील्थ फाइटर प्लेन J-20 चेंगड़ू फाइटर प्लेन फुल्ली स्टील्थ फाइटर प्लेन नहीं है। जी हां, यह फाइटर प्लेन को लेकर डिफेंस न्यूज में काले की रिपोर्ट आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि चीन J-20 चोरी के रूप में या एक बार परिकल्पित स्रोत के रूप में राडार से विकसित होने वाले कौशल से लेस नहीं हो सकता है। मतलब ये फुल्ली स्टील्थ फाइटर प्लेन नहीं है। इसमें जो राडार और जो कॉम्पोनेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ साथ जो इंजिन इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बहुत ही लो ट्रस्टेड होता है। साथ साथ राडार भी बहुत ही कम रेंज पे होता है। इसके कारण भारत का 4+ जनरेशन राफेल फाइटर प्लेन को लेके J-20 फाइटर प्लेन के ऊपर चाइना शक करने लगा है। जी हाँ, इसे लगता है कि राफेल J-20 को खा जाएगा। जानते हैं कि चाइना का J-20 चेंगड़ू फाइटर प्लेन चाइना का फ्रंटलाइन फाइटर प्लेन है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि हो सकता है कि J-20 स्टील्थ या सरल नहीं हो, लेकिन यह फाइटर प्लेन को देख के ये लगता है कि ये एक परिकल्पित कौशल से सुसज्जित है। ऐसे में हम जानते हैं कि J-20 पे जो इंजिन इस्तेमाल किया गया है वो काफी लो थ्रस्टेड होता है। साथ साथ ये एक रशियन AL-31F इंजिन होता है, जिसको कॉपी करके WS-10 का रूप दिया गया है। हम यहाँ कह रहे हैं कि फाइटर प्लेन का इंजन सबसे मेन चीज होता है, क्योंकि इंजन का थ्रस्टर के ऊपर फाइटर प्लेन का जितना एवियोनिक इलेक्ट्रॉनिक से लेकर जो भी मिसाइल हो, जो भी डायरेक्टेड एनर्जी बेसिक वेपन होता है, वो सब वहीं से ही पावर लेते हैं और रिलीज होते हैं। इसके कारण है कि फुल्ली स्टील्थ कैपेबल फाइटर प्लेन के ऊपर जो इंजन लगना चाहिए वो इंजन J-20 में इस्तेमाल नहीं किया गया है, और बार बार कोशिश ये किया जा रहा है कि ये इंजन को रिवाइव किया जा सके और इम्प्रूवमेंट ला जा सके। ये फाइटर प्लेन की वजन के अनुपात में इसका कम जोर और त्वरण के दौरान बर्नर का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इंजन की एक विशाल मात्रा का उपयोग करता है जो कि फाइटर जेट का सीमा को कम करता है। चीन के तरफ से ये फाइटर प्लेन का इंजन को लेके ये कहा जा रहा है कि चीन सीजन नोजल विकसित करके J-20 के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये टेल सिग्नेचर को कम करेगा। चाइना का तरफ से J-20 इंजन को मजबूत और अधिक गर्मी प्रतिरोधी के लिए सिंगल क्रिस्टल ग्रीन टर्बाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। बड़ा कमजोरी ये है कि J-20 का सैटकॉम उपकरण रेडोमी और एंटी आइसिंग पैनल जैसे प्लेन के अन्य हिस्सों को भी ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। J-20 फाइटर प्लेन को लेके मजाक ये किया जा रहा है कि जबकि J-20 फुल्ली स्टील्थ फाइटर का फ्रंट हिस्सा चोरी छुपे है, हम J-20 पीछे के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो गाइस, टेक्नोलॉजिकली तो चाइना अपने आप को बहुत एडवांस मानता है, तो ये क्यों नहीं कर पा रहा है आप जानते हैं? सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना जिन देशों से टेक्नोलॉजी लेता है वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उन देशों को ही टारगेट करता है। इसलिए कोई भी देश आज से 10-15 साल हो गया है चाइना को नया सोर्सेस नहीं देते हैं, नया टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताते हैं। मतलब अभी चाइना के पास टेक्नोलॉजिकली सोर्सेस बहुत कम है, जो है उसके ऊपर ही बस काम करता रहता है। लेकिन हम जानकार के लिए बता दें कि हमारा सुखोई 30 अपग्रेडेशन वर्जन, उसमें 360 डिग्री आईसर रडार को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आसानी से J-20 को डिटेक्ट कर सकता है। साथ साथ हमारा जो राफेल फाइटर प्लेन अभी हमारा भारत को नया मिला है, उसमें भी 360 डिग्री आईसर रडार को इस्तेमाल किया गया है, जो कि आराम से J-20 फाइटर प्लेन को डिटेक्ट कर सकता है। साथ राफेल फाइटर प्लेन में हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड एवियोनिक और कंपोनेंट को इस्तेमाल किया गया है, जो चाइना के लिए एक बड़ा सपना रह गया है। मतलब चाइना J-20 फाइटर प्लेन से हमारा राफेल और सुखोई फाइटर प्लेन को टारगेट नहीं कर सकता है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो एक बड़ा थम्स अप दीजिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।